दिवाली के दिन माँ लक्ष्मी के साथ गणेश जी की विधिवत पूजा की जाती है। वैसे आपको बता दें कि पंचांग के अनुसार साल 2023 में दीपावली 12 नवंबर को है। माना जाता है कि माँ लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा से साधक को धन धान्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन पूजा करने के साथ साथ कुछ ज्योतिषी उपाय करना भी लाभकारी माना जाता है। सुखी और समृद्ध जीवन के लिए दीपावली के दिन इन उपायों को करने से माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की कृपा हमेशा बनी रहेगी। ऐसे में आइए जानते हैं दिवाली पर कौन से उपाय करना लाभकारी होगा और जिनके द्वारा आप अपने भाग्य में वृद्धि कर सकते हैं, और आखिरी उपाय तो सबसे ज्यादा रोचक है। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल वैदिक वॉक्स में। पहला उपाय, सबसे जरूरी बात यह है कि पूजा में कुछ चीजें जरूर रखें, जैसे कि कौड़ी और गोमती चक्र माँ लक्ष्मी को बेहद प्रिय और पसंदीदा चीजों में से एक माने गए हैं। ऐसे में दिवाली से पहले 11 या फिर 21 कौड़ियां ले आएं। इसके बाद इन्हें एक लाल कपड़े में बांध दें और दिवाली पर लक्ष्मी पूजन के दौरान पूजा में ये पीली कौड़ी और 9 गोमती चक्र जरूर रखें, और अगले दिन इन कौड़ी और गोमती चक्र को लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी, अलमारी या फिर घर में धन रखने वाले स्थान में रख दें। वैसे इन कौड़ियों को उत्तर पश्चिम दिशा में रखना सबसे अच्छा माना गया है। माना जाता है कि ऐसा करने से व्यक्ति की तिजोरी कभी खाली नहीं रहती। ऐसा करने से ना सिर्फ देवी लक्ष्मी की कृपा मिलती है बल्कि भगवान कुबेर भी प्रसन्न होते हैं। दूसरा उपाय, दिवाली की रात को कमल गट्टे की माला से ओम कमलायै नमः इस मंत्र का 41 माला जाप करें। दीपावली के दिन रात्रि में साफ सुथरे और नए वस्त्र पहनकर महालक्ष्मी स्त्रोत, विष्णु सहस्त्र नाम और गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करें। इससे साधक पर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। तीसरा उपाय, दीपावली के दिन सूर्योदय से लेकर अगले सूर्योदय तक अखंड दीपक जलाएं। साथ ही दिवाली पर शुभ मुहूर्त में घर या अपने कार्यस्थल पर श्री यंत्र और महालक्ष्मी यंत्र स्थापित करें। ऐसा करने से साधक पर माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव बना रहता है और उसे कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। चौथा उपाय, बाधाओं को दूर करने के साथ साथ सौभाग्य लाने के लिए जरूर स्थापित करें गणेश लक्ष्मी मंत्र। जी हाँ, दिवाली के दिन माँ लक्ष्मी और गणेश जी की नई मूर्ति स्थापित करने के साथ साथ गणेश लक्ष्मी मंत्र की स्थापना कर सकते हैं। समृद्धि और बुद्धि के देवता भगवान गणेश को माना जाता है। इसके साथ ही धन, ऐश्वर्य और भाग्य की देवी माँ लक्ष्मी हैं। ऐसे में दिवाली के दिन इस जादुई मंत्र को घर में स्थापित करने से आपकी आय, लाभ, धन और भाग्य दुगने हो सकते हैं। इसलिए विधि विधान से इस यंत्र की स्थापना करें। पांचवा उपाय, हिंदू धर्म में गन्ने को काफी शुभ माना गया है। धन और समृद्धि की देवी लक्ष्मी की प्रिय चीजों में से एक है गन्ना। यही कारण है कि दिवाली के दिन देवी लक्ष्मी को गन्ना चढ़ाने से धन आकर्षित होता है। ऐसा करने से वित्तीय समस्या से छुटकारा मिल जाता है और धन धान्य की प्राप्ति होती है। छठा उपाय, दिवाली के दिन माँ लक्ष्मी और गणेश जी की विधिवत पूजा करने के साथ साथ महालक्ष्मी मंत्र का 108 बार जाप करना शामिल है। इस शक्तिशाली मंत्र का निरंतर जाप करने से माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं, जिससे घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं होती। ये महालक्ष्मी मंत्र इस प्रकार है, ओम श्रीम लक्ष्म महालक्ष्मी महालक्ष्मी यही सर्व सौभाग्यम देही में स्वाहा। सातवां उपाय, जैसा कि आप जानते ही हैं कि अमावस्या के दिन दीपावली होती है, इसलिए इस दिन पवित्र पीपल के पेड़ की पूजा करने के साथ जल चढ़ाने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। ये आपके जीवन में अशुभ ग्रह शनि के कारण होने वाले सभी नकारात्मक प्रभावों को दूर कर सकते हैं। इसके साथ ही ये काफी प्रभावी टोटका माना जाता है। सुबह के समय जल चढ़ाने के बाद शाम के समय सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाएं। तेल का दीपक जलाने के बाद जल्दी से अपने घर लौट आएं और कभी पीछे मुड़कर ना देखें। ऐसा करने से आपकी कुंडली से बुरी आत्माएं, नकारात्मकता और काल सर्प दोष दूर हो जाएगा। और अब आखिरी उपाय, जो कि है आठवां उपाय। इसके लिए बस दिवाली के दिन अपने पूरे घर में पोछा लगाना है, लेकिन ध्यान रहे, पानी में फिनोइल नहीं सेंधा नमक मिलाना है। नमक हमारे घर से नकारात्मक शक्तियों को भी भगाता है, वास्तु दोष का निवारण करता है। इसके लिए घर में सेंधा नमक का पोछा लगाएं ताकि घर की सारी समस्याओं से छुटकारा पा सकें। इस प्रयोग को दिवाली के दिन करने से और अधिक महत्व बढ़ जाता है। घर में फैली नकारात्मकता और वास्तु दोष तो दूर होता ही है, साथ में माँ लक्ष्मी का भी घर में वास होता है। और ध्यान रहे,
पहले किचन, फिर बेडरूम से लेकर हॉल में पोंछा लगाते हुए घर के मुख्य द्वार से बाहर की ओर आएं। जब तक पूरा घर सूख ना जाए, घर के अंदर नहीं जाएं और ना ही किसी को जाने दें। बचे हुए पानी को घर के बाहर नाली में फेंक दें। तो भाइयों और बहनों, ये थे दिवाली के वो अचूक उपाय जिन्हें करने से आपके घर में सुख और समृद्धि आ सकती है और माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रह सकती है। इसलिए इन उपायों को जरूर करें। साथ ही वीडियो को लाइक कर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। जय श्री गणेश।